10,000 की रिश्वत लेते शिक्षा विभाग का स्थापना शाखा बाबू विजय शर्मा रंगे हाथों पकड़ाया। निलंबित शिक्षक रवि शुक्ला को बहाल करने मांगी थी रिश्वत, 50,000 रुपए की थी मांग, 5,000 रुपए पहले ले चुका था आरोपी बाबू, आज 10,000 की रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। पीड़ित की शिकायत पर रीवा लोकायुक्त ने जिला शिक्षा कार्यालय पहुंच बाबू को पकड़ा। 2813 में जिला शिक्षा अधिकारी की शिकायत पर शिक्षक पर हुई थी FIR, न्यायालय में चल रहा प्रकरण। फरवरी 2023 में दोषमुक्त होने के बाद बहाली के लिए शिक्षा विभाग के चक्कर काट रहा था पीड़ित। मेरा नाम रवि शुक्ला है। ये 27 फरवरी 2023 को जिला न्यायालय ने हमको दोषमुक्त किया था। तो दोषमुक्त के बाद हम नकल निकलवा करके मार्च में यहाँ आगे कलेक्टर साहब को, जिला न्यायालय जिला कलेक्टर साहब को और JD साहब को और जिला शिक्षा अधिकारी के यहाँ हमने आवेदन दिया कि चार बार दिया आवेदन कि सर हमें सस्पेंशन निलंबन से बहाल कर दिए। तो बहाली उन्होंने नहीं किया और ये प्रभारी ये थे और स्थापना पर टीम के ये दो दिन के लिए का टाइम गई भाई, दो दिन हमको दिए, दो दिन हमको टाइम दिए। तो दो दिन करते करते आज 5-6 महीने हो गया। मैं बहुत परेशान था, मेरी तनख्वाह आधी मिलती है, आधे में गुजारा नहीं हो पा रहा था, मजबूरा हमको ये सभी काम करना पड़ा। क्या नाम है इनका? इनका नाम है विजय शर्मा, स्थापना की है। मैंने क्या कहा आपसे? उन्होंने कहा कि भाई जब तक ये पैसा नहीं मिला तब तक आप फाइल आगे नहीं पड़ेगी, साहब को भी देना पड़ता है और हमको देना ही पड़ता है। तो इन्होंने 50,000 का कागज़ में लिख करके हमको 50,000 ऐसे लिखा। हमने कहा सर, हमका ठीक सर, हम शाम को चले आए तो पैसा लेके 5,000 हम गए कि सर ये 5,000 लाए हैं आपने, सर 5,000 कहा था, बोले 50,000 हमने कहा था, कागज़ लेकर दिया था। हमने कहा सर हमको तो शायद आँख का पावर हमारा पड़ गया है, हमको नहीं दिखा कि 5,000 है, 50,000 है, सर 5,000 लाए तो रख लीजिए आप, सिर्फ पैसा हम आपको दे देंगे। पाँच जा करके 10,000 रुपये दिए और हमने कहा कि सर इसको कर दीजिए, बाकी जो पैसा है वो हम किस्तों में आपको दे देंगे, मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा है नहीं सर। इसमें क्या DO की भी हिस्सेदारी थी, क्या मांगे थे इन लोगों? वो कहते हैं कि DO को भी देना, अधिकारी को भी देना पड़ता है, अधिकारी लिए फाइल में नहीं करते हैं। काहे के लिए आपको सजा, वो न्यायालय में आपका प्रकरण चल रहा है? ये 21 सितंबर 2013 में यहाँ जो जिला शिक्षा अधिकारी उदय भान पटेल जी थे, उन्होंने हमको ऐसे ही रंजिशन हमारे खिलाफ़ FIR कर दिया था। रायपुर थाना में हमारे खिलाफ़ FIR कराया और मुकदमा पंजीबद्ध कर माने वो हो गया, FIR हो गया और पुलिस से हम जब हमको जब पुलिस ढा लेगी तो हम फरार हो गए। फरार 2-3 महीने बाद हमारी जमानत हुई हाई कोर्ट से। जमानत के बाद हम वहाँ से आए, इसके बाद फिर यहाँ मुकदमा चलने लगा। मुकदमा चलते चलते 2013 से लेकर आज 27 फरवरी 2023 को मुकदमा से हमको दोषमुक्त कर दिया। दोषमुक्त कर दिया तो हम उनके पास गए, सबके पास 3-3 स्मरण पत्र दिए, अप्लीकेशन नकल दिए, पूरा आरोप पत्र जो था पूरे रिकॉर्ड सारे सब दिए और जो जिन्होंने ये रिकॉर्ड मांगे पूरा रिकॉर्ड दिए। लेकिन आज तक 5-6 महीने हो गया, मार्च में हम सबको दिए कागज़ 15-20 मार्च को, तो मार्च से लेकर के आज तक इन्होंने हमारा निलंबन से बहाल हमको नहीं किया। हमको मजबूरन परेशान होकर के हम ये काम कदम उठाना पड़ा। क्या नाम? मेरा नाम रवि शुक्ला है, निवासी साथ की प्राथमिक पाठशाला कुष्ठ में सहायक शिक्षक था, निवासी मेरा गाँव चुड़गड़ी है, कल दिनांक 2-8-2023 को पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त श्री धाकर साहब के समक्ष श्री रवि शुक्ला एक टीचर हैं वो आए। उन्होंने बताया कि मैं अभी निलंबित हूँ और निलंबन के लिए DEO ऑफिस के बाबू विजय शर्मा द्वारा निलंबन से बहाली के लिए रिश्वत मांग की जा रही है। शिकायत पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा शिकायत का सत्यापन कराया गया। सत्यापन के दौरान उक्त बाबू ने 5,000 रुपये ले लिए और सत्यापन के दौरान शिकायत सत्य पाई गई। उसके बाद रेप की कार्रवाई की गई। रेप कार्रवाई के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी के बाबू विजय शर्मा 5-10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रेप किए गए हैं। अभी विवेचना जा रही है। टोटल 50,000 रुपये की मांग की थी जिसमें से 5,000 रुपये सत्यापन के दौरान ले लिए और फिर किस्तों में उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय का ये बाबू था जो स्थापना 3 देखते थे।
अभी विवेचना जारी है।